सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षणम की लाइव कक्षा संख्या 57 को पढ़िए। 56 कक्षाएं आपको पढ़ा दी है मैंने, आज 57वीं कक्षा को पढ़ेंगे। हमारा अभी संधि का प्रकरण चल रहा है, नियम भी चल रहे हैं, शब्द रूप भी स्मरण करा रहे हैं, वाक्य अनुवाद भी आपको दिए जा रहे हैं और काफी चीजें आपको सिखा दी हैं। और इस कोर्स को पूर्ण करने के बाद आपको सेकंड लेवल के कोर्स में एंट्री प्रवेश कराया जाएगा, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर सेकंड लेवल के कोर्स को आप आराम से जल्दी जल्दी आप पढ़ करके संस्कृत भाषा के अच्छे मास्टर बन सकते हैं, विशेषज्ञ बन सकते हैं। चलिएगा मित्रों, ये निशुल्क संस्कृत शिक्षण का अभियान चल रहा है, किसी भी पाठक महानुभाव से कोई फीस या शुल्क नहीं लिया जाता है, परंतु ये आप सभी के सहयोग से चल रहा है, क्योंकि प्रत्येक काम को करने के लिए अर्थ का व्यय करना होता है, उसमें धन व्यय करना होता है, परंतु इस प्लेटफॉर्म पर किसी से पहले फीस नहीं ली जाती है, आप अपनी स्वेच्छा से अपनी स्वेच्छा पूर्वक स्वयं इस महान कार्य में अपना सहयोग निरंतर देते हैं, तब ये कार्य चलता है। तो आप निरंतर अपना स्वेच्छा पूर्वक प्रति माह प्रति सप्ताह इस महान यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करते रहें, अपना दान देते रहें, जिससे ये यज्ञ निरंतर चलता रहे। चलिए, तो गत कक्षा में सबसे पहले मैंने आपको कुछ गृह कार्य दिया था, उस गृह कार्य दिया था मैंने, ये आपको 5 संस्कृत के वाक्य दिए थे और इनकी हिंदी लिखने के लिए आपको बताई थी, तो आपने हिंदी लिखी होगी, तो आइएगा अब आप अपनी हिंदी का मिलान कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ इसकी हिंदी, 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 वाक्य थे। पहला वाक्य था सर्वे दंत धावनम कुर्वन्ति, सर्वे माने सभी लोग, दंत धावनम माने व्रश माने टूथ, ये दांत को साफ करते, कुर्वन्ति माने करते हैं माने टूथ दांत को साफ करते हैं सभी लोग, इसका ये हिंदी अर्थ हो गया। सर्वे स्नानादिकं कुर्वन्ति, सभी लोग स्नान आदि, स्नान पूजा भोजन आदि अब कार्यों को करते हैं, ये इसका अर्थ हो गया, स्नान आदि कार्यों को करते हैं। सर्वे गृहे ईश्वरस्य ध्यानं कुर्वन्ति, सभी लोग घर में माने अपने घर में ईश्वर का ध्यान करते हैं, अर्थात ईश्वर की उपासना करते हैं, उसका चिंतन करते हैं। गृहे सर्वे प्रातः अल्पाहारं कुर्वन्ति, घर में सभी लोग प्रातः माने ये अव्यय के रूप नहीं चलते हैं, प्रातः माने मॉर्निंग में, अल्पाहार माने ब्रेकफास्ट नाश्ता, कुर्वन्ति माने करते हैं, ठीक है, नाश्ते को करते हैं। 10 गृहस्य बालाः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छन्ति, माने घर की बालक बाला का अर्थ है बच्चे, घर के बालक जो हैं, बालक बालिकाएं हैं, वो प्रतिदिन विद्यालय को जाते हैं। अब हमने आपको जो नियम पढ़ाए थे 7 विभक्तियों के, उन नियमों को आपको घटाना है, अपने आप घटाना है कि उन नियमों के अनुसार ही इन वाक्यों का अर्थ बनाया गया है, ये आपको यह परीक्षण करना है, ठीक है। चलिएगा, ये तो आपके गृह कार्य का मैंने मिलान करा दिया, अब आगे आ जाइएगा, ठीक है। हमारा संधि चल रही थी मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको यण संधि पढ़ाई है, क्या पढ़ाया है मैंने,
आपको यण संधि नियम 50 यण संधि, ठीक है, ये प्रथम संधि थी, आज हम दूसरी संधि पढ़ेंगे पहले, ठीक है। कॉपी और पेन को ले लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, खोल लीजिएगा नोटबुक को और पेन को हाथ में लीजिएगा और लिखना आरंभ करना है। अब पहले लिखना होगा फिर मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है, चलिएगा। आज की जो संधि है मित्रों उसका नाम है, लिखिएगा, नियम 60, 60वां नियम है ये, ठीक है, नियम माने 60वें नियम में ये संधि आ जाएगी, ठीक है, चलिएगा, लिखिएगा। आयादि संधि ही, आयादि संधि ही इसकी परिभाषा है, जब ए आई ओ आऊ इन चारों अक्षरों को इनवर्टेड कोमा में ऐसे बंद कर लीजिएगा कि पश्चात कोई स्वर आता है तो ए को आया आई को आया ये या हलंत है, ठीक है, ओ को अब तथा औ को आओ हो जाता है। शब्द के अंतिम ए ओ इस ए को इन्वर्टेड कोमा कर लीजिएगा, ओ को इन्वर्टेड कोमा कर लीजिएगा, दोनों को ए और ओ ऐसा है के बाद ह्रस छोटा मतलब ह्रस्व आ आने पर नहीं ठीक है। आप समझिएगा शब्द में कहीं पर संधि संधि माने जोड़ना और विच्छेद करना, विच्छेद किए हुए, ठीक है, माने जब क्या है ए शब्द में कहीं बीच में क्या आ जाए ए आ जाए या अंत में आ जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंत में आ जाए चाहे बीच में आ जाए, ए आ जाए कहीं, ए आई आ जाए, ओ आ जाए अथवा औ आ जाए, उसके बाद कि उसके बाद कोई स्वर, स्वर का मतलब हुआ
स्वर का अर्थ हुआ वोवेल्स, कोई भी स्वर माने आ आ इ ई ओ उ है, री 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 ए आई ओ औ, ये स्वर हैं। इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए बाद में तो क्या होता है, उस ए को आय हो जाता है, आई को आय हो जाता है, ओ को अब हो जाता है, तथा औ को आव हो जाता है। ये हलंत ध्यान देंगे। परंतु परंतु शब्द के अंत में कहीं, क्या शब्द के अंत में, शब्द के अंत में यदि ए ए माने ये वाला ए और ओ माने ये वाला ओ, ठीक है, ये नहीं, इसको नहीं ले रहे, इसको ले रहे, शब्द के अंत में या ए हो अथवा ओ हो और उसके बाद कोई जो स्वर में वर्ण है वो ह्रस्व आकार आ रहा हो, क्या ह्रस्व आकार दूसरे आ जाए कोई परेशानी नहीं है, परंतु यदि शब्द के अंत में ए मिल जाए कहीं, शब्द के अंत में ओ मिल जाए कहीं, और बाद में यदि आ आ जाए, आ केवल ह्रस्व आ दीर्घ नहीं ह्रस्व, तो ये माने ए को आए और ओ को अब नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। अभी मैं आपको उदाहरण देकर के समझा दूंगा, ठीक है। अन्यत्र सब जगह हो जाएगा, चाहे बीच में हो चाहे अंत में हो कहीं पर भी हो, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, ये लिख लिया होगा आपने, यहां पर मैंने टेबल बना दिया आपको समझाने के लिए, क्या करना है देखिएगा। ए प्लस स्वर, स्वर माने कोई भी वोवेल्स हो, उसके आगे आने पर ए को क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और आई प्लस स्वर, स्वर कोई भी हो तो उसको आय हो जाता है, ओ प्लस स्वर तो अब हो जाएगा, औ प्लस स्वर उसको आब हो जाएगा। ये ऊपर मैंने यहां आपको टेबल बना दिया, ठीक है, एक टेबल बना दिया आपके लिए। अब देखिएगा, अब उदाहरण लीजिएगा, उदाहरण में आपको ये समझ में आएगी चीज कि ये संधि क्या कहती है। देखिए ये है हरे प्लस ए, ऐसा है हरे प्लस ए, तो ये स्वर आ गया, ये क्या है, ए है, ए है, तो ए को क्या हो गया, आई हो गया, तो क्या बन गया, हारा ये, क्या बना, हारा ये माने रे के ए को आय हो गया, तो हारा या और ये इसमें जुड़ गया आय में, तो हारा ये संधि हो गई आपकी, नियम घट गया, घट गया। ऐसे ही आपका ये यहां पर है कवे, ठीक है, यहां पर छूट रहा, कवे प्लस ए, कवे प्लस ए का बनेगा, यहां ए को आय हो जाए का व ये, क्या बना, का व ये, ने प्लस अनम तो नयनम, तो ये ए है आगे आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ए है ये शब्द के अंत में नहीं है, ये शब्द के बीच में है, पूरा शब्द तो ये है, ठीक है, मैंने बताया था आगे यदि शब्द के अंत में ये शब्द नहीं है, ने कोई शब्द नहीं है पूरा, इसको बना रहे हैं व्याकरण से, ठीक है, तो ने प्लस अनम तो क्या बन गया, नयनम, तो आ गया, तो भी यहां संधि हो गई। और देखिए जे प्लस आया, यहां पर भी जे ए शब्द के बीच में है, अंत में नहीं है, तो क्या है, आय हो गया, तो जया बन गया आपका जया, ठीक। चलिएगा आगे आ जाइएगा, और देखिएगा ए के बाद आई पर आ जाइएगा, आई का है नई प्लस अकाह, नायकाह, तो आई को आय हो गया, तो नायकाह बन गया, ठीक। गई प्लस अकाह, लिखते जाइएगा साथ साथ, गायकाह, तो गई और आका है शब्द के बीच में है ये आई, इसलिए चाहे अंत में हो चाहे बीच में हो कहीं पर भी हो इसको तो हो ही जाता है, तो गई का आय हो गया, तो क्या बना, गाय कहा,
ऐसे गाई प्लस अति तो क्या बना गायती, यह आई का आय हो गया। स्वर माने आगे स्वर आ रहा है कहीं आ आ कुछ भी आ जाए यहां आ रहा है। अब आ जाइएगा ओ का, ओ का है विष्णु प्लस ए, क्या विष्णु प्लस ए। अब देखिए ओ है ये शब्द के अंत में नहीं है, बीच में है, यहां तो अंत में हो तो भी चलेगा, तो यहां क्या बीच में होने अब को अब हो गया तो क्या बना विष्णवे, क्या बना विष्णवे, ओ को अब हो गया विष्णवा और ये जुड़ गया विष्णवे। भानो प्लस ए तो भानवे, भो प्लस अनम भावनम, भो प्लस अति भावति, बन गया आपका ये बन गया आपके उदाहरण। ठीक है अब औ पर और आ जाइएगा, औ और बचा हुआ है। ठीक है पाउ प्लस अकाह पावकाह, ठीक है तो यहां आगे स्वर आ रहा है औ को आव हो गया पावका बन गया। द्वौ प्लस एतौ द्वावेतौ, बन गया आपका। अब देखिएगा ये तो हो गया आपका संधि का, जो मैंने आपको बताया नहीं होता उसके उदाहरण देख लीजिएगा। ये हरे शब्द है हरे, ये हरे है संबोधन का, कहां का है संबोधन, एक वचन का है संबोधन, एक वचन का है ये, हे हरे बनता है तो हे तो अलग से जोड़ते हैं हरे, ये मुख्य रूप से संबोधन का रूप है, ये संबोधन का रूप है। और ये है अब लोट लकार का, लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। ठीक है मध्यम पुरुष एक वचन, ध्यान दीजिएगा ये अब है अब, तो आवती आवता अवंती, वैसे ही लोट में आवतु आवताम अवंतु आव, जैसे भाव बनता है गच्छ, वैसे ही आव, अब माने रक्षा करो। तो क्या है ये आ है आगे यहां पर ह्रस्व आ, और ये शब्द के अंत में है ए यहां पर, तो संबोधन पूरा शब्द बन गया एक, तो शब्द के अंत में है क्या ए। अब देखिए अब इसके बाद ये आएगा तो यहां संधि नहीं होगी, क्योंकि नियम बता दिया था मैंने कि यदि शब्द के अंत में हो ए होगा और बाद में ह्रस्व आकार आएगा तो वहां पर आया नहीं होगा, क्योंकि शब्द के अंत में। ठीक है विष्णु प्लस, अब यहां पर भी यहां शब्द के संबोधन का, ये भी संबोधन एक वचन का है, तो विष्णु हे विष्णु महाराज जी अब माने रक्षा करो, तो यहां पर भी संधि नहीं होगी। ठीक है अब आपको एक प्रश्न हो सकता है कि यहां पर भी हरे लिखा हुआ है तो संबोधन का हो गया, और एक हरे यहां पर भी मैंने आपको बताया था ये हरे, इसमें क्या अंतर है, अंतर है वो पूरा संबोधन का है, ये क्या है चतुर्थी विभक्ति के रूप के लिए बनाया जाने वाला है, यहां ये पूरा रूप नहीं है, पूरा रूप ये है। ये व्याकरण जब आप पढ़ेंगे प्रौढ़ अवस्था में तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वाला हरे का ये शब्द के बीच का है, वो वाला शब्द के अंत का है। ठीक है तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है मित्रों कि ये संधि बहुत प्रयोग होगी, ध्यान देंगे क्या बहुत प्रयोग होगी इसका, बहुत ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है तो ये लिख लिया, उदाहरण आपको मैंने दे दिए, अब और आपको मैं जब अभ्यास कराऊंगा इसका अभ्यास भी कराऊंगा आगे की कक्षाओं में, कुछ कक्षाओं में दूसरी चीज पढ़ाने के बाद संधियों के उदाहरण भी पढ़ाऊंगा, कुछ आपको लेसन पढ़ाऊंगा। ठीक है पर ये संधि आपको याद करनी है, स्मरण करनी है। ठीक है ये समझ करके स्मरण कर लेनी है, क्योंकि बार बार लगेगी ये संधि। ठीक है चलिएगा ये आपकी रण संधि हो गई आज की कक्षा में, क्योंकि मैं अधिक आपको एक कक्षा में अधिक नहीं पढ़ाऊंगा,
संधियां, क्योंकि एक एक संधि लेकर के ही चलूंगा, ठीक है। अब आ जाइएगा मित्रों, अब मैं आपको गृह कार्य देता हूं कुछ पांच वाक्य के करीब, पांच या छह वाक्य दूंगा आपको, ठीक है। चलिएगा, गृह कार्य लिखिएगा आप, लिखिएगा आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है। अब आपको संस्कृत बनानी है, ठीक है। आज रविवार है, दूसरा वाक्य लिखिएगा, तीसरा वाक्य कल कौन सा दिन था, कल कौन सा दिन था, चौथा वाक्य लिखिएगा कल शनिवार था, पांचवा वाक्य लिखिएगा कल कौन सा दिन होगा, बिल्कुल सरल वाक्य है, आप आराम से बनाइएगा, कहीं गलती होगी तो फिर हम सुधार कराएंगे अगली कक्षा में आपको, ठीक है। छठा वाक्य अंतिम, कल सोमवार होगा, ये पांच वाक्य आपको बनाने हैं मित्रों, ठीक है। ये पांच वाक्य बनाइएगा और मैं आपको बता देता हूं, पहले मैंने लिखा भी दिया है फिर भी बता देता हूं। देखिएगा, आज को बोलते हैं अद्य बोलते हैं, ठीक है, और रविवार को बोलते हैं रविवार, और कल, कल बीता हुआ जो कल होता है, बीता हुआ कल होता है उसको क्या बोलते हैं, ये लिखा दिया मैंने पहले आपको शब्द में, यह माने बीता हुआ कल, ठीक है। इस वाक्य में ये प्रयोग कीजिएगा, और ये हो गया, और आने वाला जो कल है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं श्वाह। कठिन शब्द मैंने बता दिया आपको, जो आने वाला कल है उसको क्या बोलते हैं, श्वाह। अब ये आपको ऐसे शनिवार बोलते हैं, सोमवार बोलते हैं, ये तो सामान्य, बाकी का आपको बनाना है, फिर भी कोई गलती हो सकती है उनको अगली कक्षा में सुधार कराएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए आज की कक्षा मैंने आपको दी है, कक्षा थोड़ी छोटी है पर कोई बात नहीं, आपको छोटी कक्षा भी कभी कभी चाहिए, और जब भी आपको लगता है कि आज समय बच गया है तो पीछे का रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। तो अगली कक्षा में मैं आपको कुछ दो तीन शब्दों के रूप याद कराऊंगा, कोशिश करूंगा एक संधि भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, और भी कुछ आपको ये गृह कार्य का मिलान कराऊंगा और नया गृह कार्य भी आपको दूंगा। चलिएगा, यही कक्षा को विराम करते हैं मित्रों। त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की इस कोर्स को पढ़ करके करोड़ों लोग संस्कृत भाषा को, प्राथमिक स्तर की संस्कृत भाषा को सीख जाएंगे। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।